Okay, so the student name is Manoj Sen. इसकी कहानी आप सुनना है, ये ऐसे तो बहुत बच्चे आगे सेलेक्ट होने के बाद, पर इसकी कहानी थोड़ी ज्यादा इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। इस सारी बात आपको बताएगा तो आपको लगेगा कि किन परिस्थितियों में आप क्या पढ़ सकता है इंसान। मतलब मुझे तो इंस्पायर किया तो मैंने कहा बच्चों के पास आना टाइम निकाल के, तो बच्चे भी सेल्फ इंस्पायर हो जाएंगे हमसे। पहले बच्चे का मुंह मीठा कराते हैं सफलता के लिए। हेलो, मेरा नाम मनोज जैन है और मैं ओनली यूट्यूब से पढ़ा सकते हैं। घर की परिस्थिति नहीं थी इतनी कि कोचिंग ज्वाइन कर सके, यूट्यूब पे सभी 345 क्लासेस हैं। अगर आप मतलब ये था कि मेरा मैं 2022 का पास हूँ, 2022 से जनवरी हो गया था, स्थिति नहीं थी कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकूँ। तो फिर पीडीएफ आती थी उनकी फोटो कॉपी निकलवाई, क्लास देखता था रेगुलर, मतलब सब कोई फॉलो किया। लास्ट में जैसे प्रीलिम्स के 4-5 दिन पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो फिर एक अंकित है तो उन्होंने बोला कि अब कोर्स हो गया तो तेरे को ऐसा करना चाहिए कि एक बार है ना जिनोमिक की क्लासें हैं 40-50 लास्ट में, वैसे डेली देखता ही था मैं तो 40-50 क्लासें, तो मैं एक एक दिन की 12-12 क्लासें देखता था। फिर देखता था उनको लिखता था, फिर जैसे सेक्रेटरी की क्लास है तो वो 12 घंटे की है, तो उसके बाद सेक्रेटरी कुछ नहीं थी, रिसर्च मैनेजमेंट है। तो मेरा मतलब मैंने सर को फॉलो किया है, एक मेरे सर की आई सी की क्लास है उसके बाद आई सी जाएगा, एक इमेज बेस वाली क्लास है वो है, और जैसे अभी ये SIC का चल रहा है। तो आप बस कोचिंग को मतलब जो आपको नोट्स से नोट्स दिखा रहे हैं ना, बस आपको नोट्स से पढ़ने हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेगा, नोट्स से पढ़ेगा। अब मतलब पहली गलती क्या हुई मेरे से, तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि मैं ना सब बोलते थे क्वेश्चन सोल्व करो क्वेश्चन सोल्व करो, भाई क्वेश्चन सोल्व करने बैठा तो मजा नहीं आता था, यार अगर सोल्व कर लिया कहाँ के टेस्ट सोल्व कर ली यार आ रही है फिर नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी, फिर मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को नोट्स का रिवाइज करना चाहिए, तो फिर मैंने नोट्स पढ़े, फंडामेंटल भी नोट्स आए थे सबके ग्रुप में आए और MSN के भी आए थे, मतलब ऐसे मैंने नोट्स वोट्स इकट्ठे कर करके यूट्यूब पे से देखता था, मतलब कई चीज़ें मैंने कंटेंट तैयार किया। फिर सर की रेगुलर क्लास आती है, सर की क्लास देख रहा था। बाकी ये SIC के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपके पास 50 दिन है, 50 दिन के अंदर आपको कम से कम भी लेना तो आपको 10 घंटे तो देना ही पड़ेगा कम से कम भी रेगुलर, 50 दिन 500 घंटे होते हैं मेरे पास, तो 500 घंटों में से आप देख लो आपको किस टाइप से कोचिंग है, किसका टाइम है, मतलब आपको रिवीजन के ऊपर देखना है। 3 चीज़ें याद रखनी है, रिवीजन, प्रैक्टिस और सेल्फ इवैल्यूएशन। आपको रिवीजन जब तक आपका 4-5 बार रिवीजन नहीं हो जाएगा ना, तब तक उसने क्वेश्चन को तो मतलब ये मान के चलो जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 8 घंटे तो आपको थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी से रहेगा आपका सब कुछ, क्वेश्चन से नहीं होगा। और यूट्यूब पे ऐसा है कि आपको एक चैनल फॉलो करना है, आज की मेरी क्या गलती थी 2022-23 में, इधर देखा फिर उधर चल गया फिर उधर चल गया फिर इधर चल गया, तो वही दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक ही चीज़ पर रहते, क्योंकि वो पिछले वाला नोट सेट था डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं थे, तो इस बार मतलब क्वेश्चन भी थे मतलब डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन रेशनल तो वही है ना, रेशनल कहाँ जाएगा। इसकी वजह से मैंने तो ऑनली सर को फॉलो किया है, और मतलब मैं तो यूट्यूब से पढ़ा और नोट से पढ़ा था, कोचिंग का मतलब और एग्जाम प्रेप का था। मैं सुबह ऐसे करता था जैसे एग्जाम प्रेप का कैसे चले रहता था, सुबह उठ जाता था 6 बजे, सबसे बड़ी गलती क्या होती है अपनी, सुबह उठते व्हाट्सअप देखते हैं, मैं कुछ नहीं करता था, सुबह उठता टाइम टेबल फिक्स करता आज क्या करना है, 100 क्वेश्चन आते थे सुबह सुबह मतलब टेस्ट में आ जाते थे उनको सेव करता, फिर 100 क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि मैं याद कर लेता था उनको, ऐसे कर करके करीबन 10-20 हज़ार क्वेश्चन हो गए तो वो माइंड में चलते रहते थे। फिर रिविजन कर लिया, लास्ट टाइम पर रिविजन है आपको सबसे कुछ नहीं है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, नोट्स को तो कम से कम भी नहीं ना, तो ये मान के चलो कि आप उनको घोट के देना, जब तक नोट्स नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। जो लिखा रहे जैसे आज आप उनको डिप्रेशन पढ़ा लिया, तो एक दिन पहले डिप्रेशन पढ़ लो फिर उसके क्वेश्चन देख लो, फिर अगले दिन जैसे यहाँ पढ़ाया फिर अगले दिन घर पर जाकर फिर डिप्रेशन पढ़ लो, तो फिर वो डिप्रेशन पूरा कर दो, फिर बाहर जाएंगे क्या पढ़ाया, अपने घर से फिक्स है सिलेबस, जैसे रेलवे के एग्जाम होते हैं तो पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, अपने घर फिक्स है अच्छे से डिप्रेशन के क्वेश्चन ऐसे हैं, लीनिया के हैं, साइकेट्री आप लोग 3 सब्जेक्ट तो टिप्स पे साइकेट्री PDA के 5 घंटे की क्लासेस हैं, और डिजीज वाली अगर आपने देखी हो तो 5 घंटे की, उसके बाद कुछ नहीं,
साइकेट्री होगी, पीडियाट्रिक होगी, जनरल पीडियाट्रिक भी है उसके अंदर, इंग्लिश बेस की होगी जी, उसके बाद कुछ नहीं है, और नरेश सर की क्लास है फंडामेंटल की, उसके बाद कुछ नहीं है, और गौरव सर की रही, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो महान है, वो तो पढ़ाते भी शानदार है। तो अभी आपको ये सही से फोकस करना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये मान के चलो कि अब जो अगली आएगी ना, जब तक अभी अपन 26, 20, 25, 26 के होता पाएंगे, 30, 4, 5, 30 के बाद अपन दे नहीं सकते इधर। तो अभी आपको बस ESIC से फोकस करना है, जैसे अभी मान के चलो DSSB की डेट आ जाती है, तो आपको DSSB में इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर मेरी रिजल्टिंग आएगी, तो उसको तो ये मान के चलो कि आपको एक दो घंटे पढ़ लिए नॉर्मली, यही ज़्यादा नहीं आएगा, जीके भी है तो नॉर्मली उसमें क्या हिस्ट्री थोड़ी पूछ कर, तो आपको ESIC का ही फोकस करना है। सर की क्लास चल रही है अभी, मतलब ये मान के चलो कि वो जो लिखा रहे हैं ना, वो तो सर बोलते हैं रेशनल, मेरा कहना तो यही है, आप क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन लिखो सारे, और लास्ट में जैसे रहे ना 4-5 दिन बच रहे हैं, तो जैसे मेरी तो है, मैं तो क्या, मेरा तो ये मैं तो पढ़ लेता हूँ जैसे क्लास में, अगर किसी से क्लास नहीं देखी जाए तो मैं क्लास नहीं देख सकता, तो कॉपी का कर लो, तो मैंने तो लास्ट प्रीलिम्स के 4-5 दिन पहले 40-50 क्लासें डाउनलोड कर ली लाइब्रेरी में जाके, और आराम से बैठा बैठा वो देखता रहता, ट्रेन में मैंने वो एक क्लास देखी, एग्जाम सेंटर में मैंने वो एक क्लास देखी, मतलब ये था कि एग्जाम सेंटर के बारे में क्लास बैठे थे, एग्जाम का टाइम था इतना, मतलब वो था तो उससे आधे घंटे पहले सर की क्लास लेके बैठा था मैं, मतलब मैंने सर की पूरी क्लासें देखी, XYZ 345 क्लासें, मतलब ये कि जो कोचिंग भी निकलना चाहता है ना, और वो 345 क्लासें देख लें तो आपका सिलेक्शन विद रैंक के साथ होगा, मेरे 4-1-4 रैंक है और और ये सब सबकी वजह से पॉसिबल हुआ है, तो मेरी कंडीशन तो इतनी नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों भी प्लान के, तो मतलब इतना वो था नहीं मेरा घर में, तो एक यूट्यूब का सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ट्राई तो करके देखो ना, करके आगे तो बढ़ो ना, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर पीछे कैसे आएंगे, तो मेन चीज यही है कि रिविजन और प्रैक्टिस और सेल्फ डेवलपमेंट, रात को सोने जा रहे हो ना तो उसके पहले देख लो कि भाई आज मैंने क्या करा, दिन वेस्ट किया है तो यार क्यों किया, बस मैं ये सोच रहा था, सब सोचते हैं ना, मतलब आपके जो फेल हो रहे हो ना, तो आपकी ये लाइफ फेल नहीं है, आपके अटेम्प्ट के फेलियर है, कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया, प्री हो रहा, मेंस हो रहा, इसका प्री का लेवल देख लिया आपने, सब कहते हैं मौज भी पढ़ के जाओ, मौज भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मौज भी अपना रहता ही इतना, मौज भी हाई लेवल की किताब है, स्टैंडर्ड है, सारे की किताब है, सोनडर्स पढ़ो डेली के 3 घंटे आपको सोनडर्स पढ़नी है, 3 घंटे तो मिनिमम मान के चलो सोनडर्स को, सोनडर्स में मान के चलो अगर आप 7th एडिशन लेंगे तो 1200 पेज है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा होगा, प्रैक्टिस सिलेक्शन के पास ही ले जाएगी, ये ESIC के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी दिन 50 दिन बहुत होते हैं, 50 दिन अभी भी आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये मान के चलो कि सिलेक्शन लेना है, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, जिसकी नौकरी नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं है, सही बात है, घर में भी नहीं है, फैमिली नहीं है, जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं, तो ये जो बच्चा है वैसे इसके बारे में बताना दो चीजें, शायद बोला है ना समझ नहीं पा रही है, इस बच्चे के दोनों पेरेंट्स हैंडीकैप हैं, पापा और मम्मी, कंडीशन इतनी पोअर है इस बच्चे के घर से, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे जैसा है, ये तो क्या हो गया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, इसके पैरों में चप्पल है नहीं, आपको दिख रही होगी, चाल नहीं दिख रही, तो जब जाए तब देखना, इसके बाद इतने पैसे भी नहीं थे कि 1400 रुपये की एग्जाम प्रेप खरीद सके, मेरे फ्रेंड है तो इसके दोस्तों ने किसी ने 200 किसी ने 400 किसी ने 300 रुपये दे के 1400 के इकट्ठे किए, बच्चे ने ऐप खरीदी, इसके फॉर्म भरने के तक के पैसे नहीं थे, वो भी दोस्तों ने उधार कर करके 3000 रुपये इकट्ठे किए, 2500 में जो भी है फॉर्म के, और एग्जाम की फीस भरी, कह भाई एग्जाम दे लूंगा मैं, जब जरूरतें होती है ना इंसान को तो मेहनत हो जाती है, पेट भरे आदमी को भूख नहीं लगती, खाली पेट वाले को भूख लगती है, सिलेक्शन भूख से होता, जिसको भूख होगी ना वो सिलेक्शन ले लेगा, मैं इसे यहाँ क्यों लाया, मैं इसको यही बोल सकता था बेटा तू बोल रहा कोचिंग कर, मैंने कहा नहीं तो वो बोलना जो सच है, तो कोचिंग किस 8000 रुपये कोचिंग नहीं कर सकता ये आदमी, 25000 ऑफलाइन का सोच ही नहीं सकता, कि उसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, वो कोचिंग की फीस कैसे भरेगा, रहेगा कौन, खाएगा क्या, इसने एक ही चीज करी और वो है नोट्स पढ़े और यूट्यूब पे लगा रहा पूरी क्लास, और इतने हिसाब से लगा रहा कि एक क्लास को जैसे आती है तो इसके लिए वरदान है, कि एक क्लास आज मिल गई तो आज ही क्लास वरदान है मेरे लिए, भगवान का दूसरा रूप भी है, मैं तो ये मानता हूँ सर,
मैंने मतलब 345 में से ये लिखा, तो मतलब ये मान के चलो कि 150-200 क्लासे तो मैंने देखी है सर की क्लासे, मैंने एक एक देखी है। मतलब ये कि आपको रिवीजन तो करना ही है, जब तक रिवीजन नहीं होगा ना एग्जाम, मतलब ये ऐसे के पहले आपको 4-5 बार तो रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखा रहे हैं उसको याद कर लो, ज्यादा मत पढ़ो याद उधर चल के, कभी मौज भी पढ़ रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, सबका टाइम है, सबको टाइम पे आने पर पढ़ना पड़ेगा। पहले बेसिक बेसिक से पहले एफोर एप्पल बनाना सीखो, फिर किताब पढ़ना है, उस हिसाब से करो। फिर बच्चे पूछते हैं कि भाई इतना गरीब तो घर से कैसे हो गए, कॉलेज वालों ने फीस नहीं ली पूरे 4 साल, फ्री पढ़ाया कि घर वाले एडमिट में पढ़ लेगा बच्चा, पढ़ लिया कॉलेज वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है, और सिलेक्शन फेल लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब पढ़ाने से मिलता गया है, ऐसे बच्चे क्या कमाया यूट्यूब से, ये कमाया है जो ये तुम्हारे सामने खड़ा है। अब इसके घर पे ये हालत थी कि चलो खाने के तो अरेंजमेंट हो जाता है, पर अब इसकी सैलरी लगभग 70-80 हज़ार रुपये होगी, ये पेरेंट्स को भी ढंग से रख पाएगा, खाना भी ढंग से खिला पाएगा, खाएगा भी ढंग से और रहेगा भी ढंग से। तो ऐसी चीजें जब एक किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके घर वालों की दुआएं और उस बच्चे की दुआएं, जिंदगी भर कमाना ही है, पैसा एक लिमिट के बाद यूजलेस लगता, एक लिमिट में होना तो ठीक लगता, उसके बाद उसकी कोई खास वैल्यू है नहीं, क्यों आप खर्च उतना ही करते, जितना आपका टाइम है, टाइमिंग तो वैसे कदर हो गया, तो टाइम पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कमा के देख लिया, बात है कि आपका ये बच्चा अगर आप ऐसे ही कर सकता है ना, तुम तो कितने सहूलियत से पढ़ रहे हो, तुमको तो दोनों टाइम खाना भी मिलता, घर वाले पैसे ही भेज रहे, तुम्हारे शौक भी पूरे करवा रहे, उसी तरह आएंगे तो मैं भूख थोड़ी कम होती जा रही है, भूख लगेगी तो सिलेक्शन होगा 100%, जैसे इसका हुआ है ना, और इसका तो किन परिस्थिति में आया तो इमेजिन नहीं कर सकते, एक यूट्यूब से पढ़ते सिलेक्शन लेना वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ, ये मायने रखता है। तो आपको बस इसको बताने का, इससे मिलाने का एक ही व्यवस्था मिला कि ये बच्चा आपको देख रहे हो, आप इसे देखो, तो इस बच्चे को लगे क्लास ऐसी होती है और आपको लगे सिलेक्शन ऐसे होता है। आगे से कोशिश करिएगा, जब भी निराश हो, जब भी डिप्रेशन हो, जब भी चीजें मन पढ़ाई में ना लगे, तो देखना कि ये मनोज आया था उस बच्चे का, एक वो ना मनोज फेल फेल वाला, और एक ये मनोज है, नाम भी बढ़िया है, नाम थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगा मेरे को, तो नाम में काफी चीजें हैं, तो आपको इससे थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, और बच्चे और कुछ बताना चाहते बता दें कि कैसे पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़े से बच्चे और ट्रैक पर रहें, जब सिलेक्शन नहीं होता तब क्या करना चाहिए इनको निराशा में। मतलब मेरा क्या है ना, शुरू से ही नोट्स पढ़ने का है, पहले क्या है मैंने कॉलेज टाइम पे मैं शुरू से मतलब मेरा बचपन का सपना था कि मेरे को यूपीएससी करना है, तो मतलब घर में दादाजी थे तो घर वालों की रहती है कि यूपीएससी का कोई आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप कर लोगे, तो उन्होंने बोला कि मैं नर्सिंग कर ले, नर्सिंग में भी ऐसा था कि एक साल की फीस दे दी, फिर अगले साल वही चेंज हो गए कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर कॉलेज वालों से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है पैसे नहीं है, तो उन्होंने अपने साथ ही रखा, पूरे हॉस्टल की पूरी फीस थी फ्री था, पूरा कॉलेज उन्होंने फ्री पढ़ाया, रहना खाना पीना सब उन्होंने किया, और यहाँ पर भगवान नाथ विकलांग समिति है, वो मेरे को महीने के 1500 रुपये और देते थे, तो उससे मेरा मेरे अंदर एक था जुनून कि मेरे को CHO तो मैंने सोचा ही नहीं था, CHO तो मेरा कुछ था ही नहीं, मेरा मन में ये था कि बस मेरे को AMC जाना है, AMC आप मान लोगे ना कि CHO क्या आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ परेशान गाँव में क्या करोगे, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, छः अपने 2 महीने के दुख है ना आपको जिंदगी भर, मैंने 2 महीने कैसे निकाले, लास्ट के मतलब साल भर मैंने इतना कुछ नहीं करा, लास्ट के 2 महीने मैंने इस तरीके से निकाले, ना तो मेरे को नहाने का पता, ना मेरे को खाने का पता, ना मेरे को किसी चीज़ का पता नहीं था, बोलने वाले तो ये बोलते थे कि पागल हो गए तो सीरियस हो, तो कुछ सुबह जाता था शाम का, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, और सर की क्लासे मतलब ये मान के चलो कि सर के 350-350 क्लास है ना, उसको देख के कोई सा भी एग्जाम दे लो, कोई सा भी निली तो फिर कहना पहली